हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ये मॉडिफिकेशन होता है हमारा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का कैसे मॉडिफिकेशन है, अगर हम देखें सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का डायग्राम, तो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में हमारा मेन कंप्रेसर, गैस टरबाइन, कंबशन चैम्बर और सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है। सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर है, और ये हीट एक्सचेंजर काय से हीट एक्सचेंज करता है, जो रैम एयर ऊपर से आती है वहाँ से हीट एक्सचेंज करके कूलिंग फैन के थ्रू इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ से जो हीट एक्सचेंज होती है कूलिंग टरबाइन में जाके कहाँ सप्लाई होती है, केबिन में। अब अगर हम देखें ये हमारा रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ पर हमने क्या कराया, सिर्फ हमने एक हीट एक्सचेंजर अपना एक्स्ट्रा लगाया है। और ये हीट एक्सचेंजर जो है ये हीट कहाँ से एक्सचेंज कर रहा है, हीट एक्सचेंज करने के लिए इसे रैम एयर की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर से रैम एयर नहीं ले रहा है, बल्कि एक रीजनरेशन प्रोसेस कर रहा है, कि रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर लगाया है। बेसिकली हीट जो एक्सचेंज कर रहा है ये कूलिंग टरबाइन से जो एयर बाहर निकलती है आपसे कि उससे हीट एक्सचेंज करते हुए दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से इसकी वर्किंग समझ लेते हैं हम लोग, किस तरीके से वर्क करेगा ये। पहले तो कंपोनेंट्स देखें, तो कंपोनेंट्स यहाँ पर मेन कंप्रेसर, गैस टरबाइन, कंबशन चैम्बर, हीट एक्सचेंजर और एक दूसरा रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, एक कूलिंग टरबाइन और एक सिंपल फैन। तो सबसे पहले क्या है, जो एम्बिएंट एयर है हमारी, एम्बिएंट एयर कौन सी एयर होती है, लास्ट वीडियोस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। एम्बिएंट एयर वो एयर होती है जो नॉर्मली जनरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारी एम्बिएंट एयर है, तो जब एयरक्राफ्ट हमारा आगे मूव करेगा, एडवांस करेगा, तो ये एम्बिएंट एयर एक डक्ट के थ्रू एंट्री करेगी, किसके अंदर, आपके एयर सिस्टम के अंदर। जब सिस्टम के अंदर एंट्री करेगी एयरक्राफ्ट में, सिंपल कह लें नॉर्मली कि एयरक्राफ्ट में एंट्री करेगी, तो फ्रिक्शन की वजह से इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। किस एयर का, एम्बिएंट एयर का। और उस एयर को हम लोग हाई, जो टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज प्रेशर टेम्परेचर एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैम्ड एयर बोलेंगे। और वो रैम, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रैमिंग प्रोसेस बोलेंगे। फिर ये रैम एयर आपकी कहाँ आएगी, मेन कंप्रेसर में, मेन कंप्रेसर इस रैम एयर को कंप्रेस करेगा, और हमें कहाँ पे, ये यहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। पहले मेन कंप्रेसर को कैसे चलाएंगे, मेन कंप्रेसर को अपना सिंपली हम प्राइम मूवर से कनेक्ट करेंगे, और उस प्राइम मूवर की मदद से हमारा ये मेन कंप्रेसर रन करेगा। फिर यहाँ से जो गैस आपकी कंप्रेस होगी, एयर सॉरी, वो कंप्रेस होगी कहाँ जाएगी, कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में हम फ्यूल की मदद से इसका कंबशन कराएंगे, और कहाँ सप्लाई कर देंगे, गैस टरबाइन की तरफ। तो यहाँ से ये गैसेज से गैस टरबाइन को रोटेट कराएंगी, और गैस टरबाइन से अपना मेन कंप्रेसर चलाएंगे, और जो प्राइम मूवर था उसे हम इससे डी अटैच कर देंगे। तो एयर जो हमारी अंदर आई थी, सपोज करिए एम्बिएंट एयर को आपने पॉइंट वन दिया, एम्बिएंट एयर अंदर आई, जब रैमिंग हो गई उसकी, और रैम एयर को आपने क्या नाम दे दिया, टू, ये रैम एयर का नाम है। फिर ये रैम एयर मेन कंप्रेसर से कंप्रेस होकर बाहर निकली, तो कंप्रेस्ड एयर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉइंट थ्री। कंप्रेस्ड होने के बाद इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो रैम एयर से भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। फिर ये एयर आपकी कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की एयर, हीट एक्सचेंजर में आई। यहाँ से देखिए ये रेड एयर शो कर रहा है कि हीट एक्सचेंजर से इन पाइप्स के थ्रू जा रही है, हीट एक्सचेंजर में आई। और रैम एयर जो हमने टू पॉइंट दिया था, ये दो नंबर वाली रैम एयर कहाँ आई, इस हीट एक्सचेंजर में एंट्री हुई, और यहाँ पर इन दोनों ने इन पाइप्स की मदद से क्या करा भाई, आपस में हीट एक्सचेंज कर ली। रैम एयर ने इसकी हीट अपने में ले ली, और रैम एयर यहाँ से फैन के थ्रू बाहर चली गई, एग्जिट कर गई। अब यहाँ पर जो एयर थी, इसका हमने कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग कर ली, ठंडा कर लिया कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हमने इसे ठंडा किया, तो अभी यहाँ पर इसका नाम हमने क्या दिया था, हीट एक्सचेंजर के एंट्री पे इसका नाम था थ्री, और जैसे ही इसकी ठंडी हो गई तो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हुई, अब बाहर आती इसका हमने नाम क्या दे दिया, नंबर फोर। तो यहाँ पर जो कूलिंग हुई वो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने इसे ठंडा कर लिया। प्रेशर वही रहेगा जो कंप्रेसर एयर से बाहर निकला है, थ्री और फोर में सिर्फ प्रेशर दोनों का कांस्टेंट रहेगा, थ्री और फोर पॉइंट का, सिर्फ टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, जब यहाँ से निकलेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कहाँ जा रही है, ये आपके रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में आ रही है, और रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में जब आएगी तो क्या करेगी यहाँ पर, उसके बाद ये कूलिंग टर्बाइन में गई। कूलिंग टर्बाइन ने क्या करा, इसको एक्सपेंड करा। एक्सपेंड जब करा तो ये एक्सपेंशन में क्या हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ और टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो फिर यहाँ पर ठंडी हो गई है, फिर सिक्स पॉइंट हमने इसे दिया, और यहाँ पर इसमें से केबिन में सप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक थोड़ा सा चेंज आया, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है।
यहाँ पर सारी की सारी एयर जो है वो हम केबिन में सप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर से कुछ अमाउंट का एयर हम ब्लेड करा लेंगे और कहाँ उसे भेजेंगे, इस रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में। ये देख रहे हैं ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये हमारा रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है पूरा। तो ये जो फोर वाली एयर इस हीट एक्सचेंजर में एंट्री करी थी, तो अब जो इसकी कूलिंग हो रही है वो कहाँ से कूलिंग हो रही है, वो उस एयर से कूलिंग हो रही है जो हमारी इस टर्बाइन के थ्रू एक्सपेंड होने के बाद केबिन में सप्लाई हो रही थी। तो ये सिक्स वाली एयर, ये देखिए सिक्स वाली एयर से कूलिंग हमने कराई इसकी, और वो सिक्स वाली एयर इसको ठंडा करने के बाद कहाँ निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो अब जो फोर्स एयर बाहर आएगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, फाइव। क्या नाम दे दिया भाई, फाइव। तो फाइव से फिर अगेन प्रोसेस समझें, तो इसकी कूलिंग हुई, कूलिंग टर्बाइन से वो एक्सपेंशन हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, सिक्स नंबर सिक्स में केबिन में चली गई, फिर इस तरफ आ गई सिक्स नंबर वाली एयर और इस रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में आई, जो पीछे से एयर हमारी ऑलरेडी ठंडी हो चुकी थी इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू, रैम्ड एयर में जो हमने हीट एक्सचेंज कराई थी उसको फिर हमने इस रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर से और ठंडा करा लिया। किसकी हेल्प से, जो एयर हमारी टर्बाइन के एग्जिट पर मिली थी केबिन में जाने के लिए। तो ये इसकी पूरी आपकी प्रोसेसिंग हो गई। बाकी ये फ़ैन आपका जो लगा हुआ है, ये फ़ैन इसलिए लगा हुआ है ताकि इस रैम्ड एयर की हम लोग सफिशेंट अमाउंट में सप्लाई करा सके, ताकि यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज हो रही है वो हमारी प्रॉपर हीट एक्सचेंज हो सके। तो ये तो इसकी वर्किंग हो गई। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके TS डायग्राम को। तो TS डायग्राम के लिए ये शीट हम लोग लेते हैं, इस पर TS डायग्राम। तो TS डायग्राम हम लोग और सिस्टम्स के डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग इस डिस्कस करेंगे। तो देखिए TS डायग्राम बेसिकली दो एक्सिस, वाई एक्सिस और दूसरी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारी होती है एंट्रोपी, एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग एंट्रोपी को, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो TS डायग्राम में की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, TS डायग्राम में जो लाइंस जाती हैं वो प्रेशर लाइंस जो होती हैं वो कांस्टेंट जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर लाइंस बना लें, प्रेशर लाइंस के अलग अलग पॉइंट्स के प्रेशर्स की लाइन बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारी बाहर हमें क्या थी, एम्बियंट एयर होती है। तो एम्बियंट एयर का मान लेते हैं कि प्रेशर लाइन, ये एम्बियंट एयर की प्रेशर लाइन जा रही है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, PS। उसके बाद रैमिंग प्रोसेस की, ये रैमिंग प्रोसेस की लाइन गई हमारी, ये देखिए दो लाइन हमने रैमिंग प्रोसेस की बनाई है। यहाँ पर दो लाइन क्यों बनाई है, एक हमारा है एक्चुअल रैमिंग और एक हमारा आइडियल रैमिंग प्रोसेस। उसके बाद एक हम प्रेशर की लाइन बना लेते हैं कंप्रेसर के आउटलेट की। तो ये जो हमारी लाइन हो गई, ये कंप्रेसर की प्रेशर लाइन है। तो सपोज करिए कि वन पॉइंट आपका कहाँ है, ये है वन पॉइंट, ये वन पॉइंट क्या है, ये हमारी एम्बियंट एयर है। ये देखिए ये वन पॉइंट क्या है, हमारी एम्बियंट एयर। फिर इसकी रैमिंग होगी, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये क्या बन जाएगी, रैम्ड एयर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो रैमिंग होगी, प्रेशर टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, हम लोग क्या मानेंगे कि उसमें हमारा आइसेंट्रोपिक रैमिंग हुई, आइडियल प्रोसेस। आइडियल हमने क्या मानते हैं, आइसेंट्रोपिक रैमिंग। तो टू पॉइंट ही हो गया, आइसेंट्रोपिक रैमिंग मतलब एंट्रोपी कॉन्स्टेंट आएगी। और जब भी रैमिंग होती है तो आपका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए यहाँ पर से पी ए से वैल्यू बढ़ के कहाँ तक चली गई, इस पी आइडियल तक। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टी वन से टी टू तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर एंट्रोपी क्या रहेगी इन दोनों पॉइंट्स की, सेम रहेगी, एस वन इज इक्वल टू एस टू। एक्चुअल अगर हम रैमिंग की बात करें, तो एक्चुअल रैमिंग की अगर आप बात करें तो ये एक्चुअल रैमिंग है। एक्चुअल रैमिंग में प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर आइडियल प्रेशर तक नहीं पहुंचेगा। ये एक्चुअल रैमिंग क्यों होगी, एक्चुअल रैमिंग होती है रिवर्सिबिलिटीज़ की वजह से, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से। मगर जो एक्चुअल रैमिंग के बाद हमें टी टू डैश पॉइंट मिलेगा, इस टू का और टी टू डैश का टेम्परेचर जो है वो
सेम होगा। सॉरी ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ तक लाइन आएगी ये। तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर दोनों का सेम मिलेगा। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं स्टेग्नेशन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। अब देखिए उसके बाद रैम्ड एयर पर कहाँ गई आपकी, मेन कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने इसे फिर से कंप्रेस किया, किस पॉइंट पर निकाला, 3 पॉइंट पर। ये जो कंप्रेशन होगा ये भी आपका अगर देखें तो आइडियल होगा, टू डैश से थ्री, ठीक है। और आइडियल में फिर से क्या, एंट्रोपी कांस्टेंट, एस टू डैश इज इक्वल्स टू एस थ्री। और प्रेशर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी ऑब्वियसली आपका इंक्रीज होगा, और एक्चुअल में क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ये आइडियल ना होके एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस, थ्री डैश। उसके बाद फिर आपकी ये हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जहाँ से ये टू से हीट एक्सचेंज करेगी, और कौन सा पॉइंट ले लेगी, 4 पॉइंट। ये जो कूलिंग होगी ये आपकी आइसोबारिक होगी, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो जो कंप्रेसर के आउटलेट पे प्रेशर था वही प्रेशर हमारा हीट एक्सचेंजर के आउटलेट पे भी मिलेगा। तो ये जो प्रेशर लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो इसी प्रेशर लाइन पे आपकी कूलिंग होगी। तो 3 से मान लेते हैं कहाँ तक कूलिंग आ गई है, 4 पॉइंट तक, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए कूल कराना है। उसके बाद देखिए फिर ये कहाँ जा रहा है हमारा, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में। और रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में जो एयर आ रही है आपकी टर्बाइन से निकल के, जो केबिन में सप्लाई करी थी उससे कुछ ब्लेड करा ली थी हमने, और उससे फिर इसकी कूलिंग कराई। तो कूलिंग करने के बाद ये किस पॉइंट से निकल रही है, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर से, 5th पॉइंट से, ठीक। अब देखिए जो प्रेशर यहाँ पे था वही प्रेशर यहाँ पर भी रहेगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम हीट रिजेक्शन कराएंगे। तो इट मीन्स इस पॉइंट का 5 का प्रेशर, 4 पॉइंट का प्रेशर और 3 पॉइंट का प्रेशर, तीनों प्रेशर सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों कूलिंग होगी वो सेम प्रेशर लाइन पे होगी, दोनों कूलिंग सॉरी जो होगी। तो अब जो कूलिंग हुई वो हमें कहाँ मिला, इस 5 पॉइंट पे। उसके बाद टरबाइन, टरबाइन में एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद कहाँ सप्लाई हो जाएगी, केबिन की तरफ। तो एक्सपेंशन जो होगा वो केबिन के प्रेशर तक, और केबिन का प्रेशर हम लोग मान लेते हैं एम्बियंट प्रेशर और एक्चुअल रैमिंग के प्रेशर के बीच है। तो ये आपका एक्सपेंशन 5 to 6, S5 इज इक्वल टू S6 आइसेंट्रोपिक, मगर एक्चुअल एक्सपेंशन होगा रिवर्सिबिलिटीज की वजह से, तो हमें 6 पॉइंट की जगह क्या मिलेगा, 6 डैश। उसके बाद सप्लाई कहाँ हो जाएगी, उसके बाद आपकी सप्लाई हो जाएगी कहाँ पे, केबिन में। केबिन में जाकर ये हीट एक्सचेंज करी और क्या पॉइंट मिल गया, 7 पॉइंट, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, बताई जाएगी आपको, कोशिश करी जाएगी समझाने की। अब इसकी हम लोग समझ लेते हैं कैलकुलेशन, थोड़ी सी छोटी, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है इसमें, कि सपोज़ करिए कि आपका जो लोड है केबिन का, या कूलिंग लोड सपोज जितना भी है, मान लेते हैं कितना है हमारा क्यू, क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्यू टी आर लोड है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हम अपनी एयर का मास यहाँ पर से सर्कुलेट कराते रहें कि इतना क्यू जो है हमारा, क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, हमें कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वर्किंग फ्लूइड है सिंपली क्या है, एयर। तो अब पहले इस क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को आप काहे में कन्वर्ट कर लें, किलो जूल में। तो काहे से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 210 से, तो जब आप इसे 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, किलो जूल पर मिनट। किलो जूल पर मिनट। तो अब इसके लिए जो हमारे हीट का फॉर्मूला लगाया जाता है कि कितनी हीट का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है हमारा mCp∆T। कितनी हीट एक्सचेंज हुई है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला हम अगर निकालें तो क्यू इज इक्वल्स टू mCp∆T। एम की जगह पे हम लिख लेंगे एम ए, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एयर cp∆T। तो क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, अब जो क्यू हमारा टोटल लोड है यहाँ पे,
क्यू से अगर आप कन्फ्यूजन इससे ना हो रहे हो, तो यहाँ पे ये क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट एक्सट्रैक्शन। तो कितनी हीट है हमारी यहाँ पे, वो है क्यू इंटू 210 एम ए सी पी डेल्टा टी। तो एम ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू 210 क्यूब अपॉन सी पी डेल्टा टी। सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अच्छा हाँ, डेल्टा टी की वैल्यू रखी है अपने यहाँ पे, डेल्टा टी 210 क्यू सी पी, और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, T7 माइनस T6 डैश, ये आपका एम ए आ गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी केजी पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू था वो किलो जूल पर मिनट पे था। अब अगर हम, ये तो मास ऑफ एयर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब अगर हम कहेंगे हमें पावर रिक्वायर्ड है, भाई कितनी पावर हमें चाहिए सिस्टम को रन कराने के लिए, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, पावर हम सिंपली क्या होती है अगर देखें तो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क कहाँ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क हम जो कर रहे हैं अपने सिर्फ इस कंप्रेसर में कर रहे हैं, वर्क कहाँ कर रहे हैं, ये 2-3 जो हमने कंप्रेशन किया है यहाँ हमारा वर्क हो रहा है। तो वर्क डन अगर हम निकालें तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, मास ऑफ एयर सी पी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस T3- माइनस T2- अपॉन 60 से अगर आप इसे और डिवाइड कर दें तो ये आपका वर्क आ जाएगा, पावर आ जाएगी किलोवाट में। क्यों आ गई किलोवाट में, क्योंकि यहाँ पे जो मास मास ऑफ एयर है आपका m, वो kg पर मिनट में था, इसलिए हमने इसे 60 से डिवाइड करा तो ये kg पर सेकंड में हो जाएगा ये मास, और के जी पर सेकंड में जब इसे पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो जूल पर किलो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड आपका क्या बन जाएगा, वाट बन जाएगा। तो ये हमारा आज हमने डिस्कशन किया किसके बारे में, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर के बारे में, और उसकी TS डायग्राम प्लॉट करा, उसकी वर्किंग समझी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो प्रोसेस वर्किंग का और TS डायग्राम का प्लॉट समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।